आयुक्त साहब ने हमको आश्वासन दिया कि इसमें से 3 डिमांड मैं आपकी अभी मंजूर करता हूँ और बचे हुई जो 2 डिमांड है वो इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद में जैसी बजट आ जाएगा वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन 3 डिमांड उन्होंने बोले कि 4 दिन के अंदर ही आपके पास में सर्वे हो जाएगा और ये आपकी डिमांड मंजूर कर देंगे। हम अतिरिक्त आयुक्त नेमाने साहब का शुक्रिया अदा करते हैं पूरी गब्बरेशन कमेटी की तरफ से। इंशाल्लाह ये 4 से 5 दिन के अंदर वहाँ पर उनके लोग आके मुआयना करेंगे और वहाँ पर जो है तो जल्द अज जल्द कचरे की गाड़ी का इंतज़ाम हो जाएगा, ड्रेनेज लाइन का काम शुरू हो जाएगा और नल के पानी का इंतज़ाम हो जाएगा और जो लाइट का जो मसला है वो भी लगभग होने में है और रोड का मसला इसके बाद ये पूरा काम मुकम्मल होगा, उसके बाद में रोड का होगा। जो अपने शहर को एंड में लगते वार्ड, अगर इस पर भी थोड़ा ध्यान दिए तो सर ड्रेनेज लाइन नहीं है ना सर, पूरे जगह पानी है, आगे तक आएगी आधे है, आधे बाकी है सर। पास में जो है ना वहाँ पर कुछ खेती है आसपास, तो लोग खेती का इस्तेमाल आसपास में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नाले सर, तो वह समस्या का इतना बड़ा डोंगर बोले तो चलिए सर। और जो लेडीज़ को बहुत बड़ी समस्या आती है सर लेट्रिन की, इसकी उसकी, और पानी का तो नाला है, पानी जो है रोड पे छोड़ना पड़ता है क्योंकि पानी का कोई बंदोबस्त ही नहीं है छपाने के सवाल सर। टैंकर आते हैं और बाद में बाहर पंप है ना जो रोड पे वहाँ से बच्चे आने से टैंकर आते हैं सर, तो उसका जो महीना है वो महीना भर के लोग तो पानी और आदेश जो नई टैंकर गाड़ी इतने पैटन गेट को कोई वार्ड ऐसा बचा नहीं की गाड़ी नहीं, लेकिन वही मैं बताना चाह रहा हूँ की ये अंदर होने की वजह से यहाँ तक पहुँचते हैं, कोई सुविधा नहीं पहुंचती, पानी तो छोड़ो लाइट नहीं है, सुविधा नहीं पहुंचती सर, स्ट्रीट लाइट का भी मसला है सर, स्ट्रीट लाइट नहीं है, खंभे भी नहीं है हमारे पास में, और कई जगह खंभे होंगे सर तो फिर उसके ऊपर लाइट भी नहीं। सर आपके हाथ से एक अच्छा बड़ा काम हो जाएगा, छोटे छोटे कर तो ये पैसे लगता चलेगा, जो मतलब जो मूलभूत सुविधा है छोटी वो जैसे कचरे गाड़ी में सर लाइट का कचरे तो हुई है, ड्रेनेज का काम छोटा से सकती ही करूँ जी, नाड़ी और बिजली ऐसा कुछ अब इन्होंने वर्क नहीं करना सर, मुरम लाना वहाँ पर तो डालना तो वो कुछ दिन चलते हैं उसके बाद खत्म सर। उधर से जाइए बीच में आ जाते हैं हमारे। आज गब्बर एक्शन कमेटी औरंगाबाद की ओर से नारेगांव जो हर सुविधा से वंचित वार्ड है उसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष हसन साहब और जिला उपाध्यक्ष समद बागवान साहब ने 15 दिन पहले वहाँ का वार्ड का दौरा किया था, वहाँ के जिम्मेदारों ने वार्ड की समस्या बताई, नारेगांव वार्ड में बहुत सारी समस्या है, वो समस्या का हल निकालने के लिए हमने आज अतिरिक्त आयुक्त नेमाने साहब को एक निवेदन दिया जिसके अंदर हमने 5 प्रमुख डिमांड रखी, ड्रेनेज की, लाइट की, रास्ते की और कचरे की। उसमें से आयुक्त साहब ने हमको आश्वासन दिया कि इसमें से 3 डिमांड मैं आपकी अभी मंजूर करता हूं और बचे हुई जो 2 डिमांड है वो इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद में जैसी बजट आ जाएगा वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन 3 डिमांड उन्होंने बोले कि 4 दिन के अंदर ही आपके पास में सर्वे हो जाएगा और ये आपकी डिमांड मंजूर कर देंगे। हम अतिरिक्त आयुक्त नेमाने साहब का शुक्रिया अदा करते हैं पूरी गब्बरेशन कमेटी की तरफ से। क्या डिमांड हमारी ड्रेनेज की, पानी की और लाइट की और कचरे की डिमांड है, तो उसमें से उन्होंने बोले लाइट की, ड्रेनेज की और कचरे की, ये 3 डिमांड तो मैं अभी मंजूर कर लेता हूँ आपकी, ये 5 दिन के बाद सर्वे हो जाएंगे और ये क्लियर हो जाएंगी। बची जो पानी की लाइन है उसके लिए अभी बजट है नहीं, वो भी जैसा बजट आ जाएगा सबसे पहले फर्स्ट रेफरेंस हम नारेगांव वार्ड को देंगे। तमाम को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जैसा कि गब्बर एक्शन कमेटी के हमारे अध्यक्ष साहब हफीज़ अली साहब
और ज़िला अध्यक्ष हमारे हसन शाह साहब के नेतृत्व में हमने जो लेटर दिए और नारेगांव की जो समस्या थी जिसका हमने 15 दिन पहले जो जायज़ा लिए थे और वहाँ का जाके मुआयना करे थे, उस समस्या के ऊपर अभी हमने नेमाने साहब से, अतिरिक्त साहब जो नेमाने साहब है उनसे हमने चर्चा करे और उन्होंने हमारे 5 मसलों में से 3 मसले हल करने का तुरंत वादा कर दिए और हाँ इंशाल्लाह ये 4 से 5 दिन के अंदर वहाँ पर उनके लोग आके मुआयना करेंगे और वहाँ पर जो है तो जल्द अज जल्द कचरे की गाड़ी का इंतज़ाम हो जाएगा, ड्रेनेज लाइन का काम शुरू हो जाएगा और नल के पानी का इंतज़ाम हो जाएगा और जो लाइट का जो मसला है वो भी लगभग होने में है और रोड का मसला इसके बाद ये पूरा काम मुकम्मल होगा, उसके बाद में रोड का होगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसा कि हमारे खारी तारिक साहब और खाजी साहब और ये आफ्ताब भाई और ये भाई साहब और बहुत सारे लोग यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों को हमने आने से मना किए और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं लाए उनको और वहाँ की समस्या इंशाल्लाह एक 15 से 20 दिन के अंदर हल हो जाएंगी और मैं उन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे 3 काम पूरे किए, रहे बचे कचे 2 काम वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे करने का वादा किए। मेरा नाम अब्दुल समद बागवान। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स, औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।